भाई इंडिया के अंदर तो बहुत ज्यादा प्यार कुत्तों से किया जाता है, डॉग से किया जाता है, यहाँ पर भी डॉग से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और उसके लिए इंस्पायरिंग कॉन्टेंट हमें देखने को मिला है। इसका नाम डॉग तो नहीं है, इसका नाम डैक्स है, ये कुत्ते से इंस्पायर है और ये पूरी कंप्लीटली एक स्कूटी डॉग की फॉर्म में बनाई गई है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर एक लोगो भी देखने को मिलेगा देखो, तो आज हम इसको एक्सप्लोर करने वाले हैं और इसके अंदर छोटी छोटी चीजें जानने वाले हैं, तो जल्दी फटाफट स्टार्ट करते हैं। हमने होंडा की लिफन LIFAN लिफन बाइक है, 125 सीसी की बाइक है। मोस्टली यहाँ पर ज़्यादातर जो बाइकें हैं छोटे सेगमेंट में वो 125 सीसी में ही दिखती हैं, और अगर बात की जाए उसमें फीचर्स तो भाई लोडेड है। यहाँ पर लोग दीवाने हैं दीवाने हैं अपनी मोटरसाइकिल स्कूटी के अंदर फीचर्स को ऐड करवाने में। अगर नहीं भी आते ना शोरूम से बाइक फीचर्स में तो वो भी उसमें फीचर्स ऐड हो जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर देखो रियर डिस्क ब्रेक भी है, रियर डिस्क ब्रेक के साथ टेलीस्कोपिक सोकर इसमें नहीं दे रखे हैं, इसमें USD फोक दे रखे हैं। अगर बात की जाए फ्रंट डिस्क ब्रेक की तो फ्रंट डिस्क ब्रेक भी है, और अगर बात की जाए रियर डिस्क ब्रेक की तो रियर डिस्क ब्रेक भी है। चेन सेट दे रखा है इसके अंदर, रियर टायर इतना हैवी है और फ्रंट टायर इतना हैवी है। नॉर्मली स्कूटी के अंदर रियर और फ्रंट टायर जो है बहुत ज़्यादा पतला देखने को मिलता है, बट इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें मॉडिफाइड कर रखी है। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल इसका फिल्टर देखो, कैनन का एयर फिल्टर इसमें दे रखा है जो कि बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लुक दे रहा है, और इसकी आवाज़ भी मैं आपको सुनाऊंगा और स्टार्ट करके छोटी सी राइड भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो अभी राइट नाउ कीहिन का इसके अंदर कार्बोरेटर दे रखा है जो कि ओरिजिनल कीहिन का कार्बोरेटर आता है। अगर आप किसी भी ब्रांड न्यू कंपनी का कार्बोरेटर लेने जा रहे हो, एक ब्रांडेड कंपनी का कार्बोरेटर, एक अच्छी कंपनी का, तो कीहिन का ही देखने को आपको मिलेगा जो कि ओरिजिनल होता है। उसके अलावा बात की जाए इसका जो एग्जॉस्ट है, यहाँ का इनलेट वाल्व जो है सिस्टम इसका, यहाँ का इसको थोड़ा सा बड़ा कर रखा है, बड़ा करने के लिए यहाँ पर इन्होंने प्लेट लगा रखी है। हेड और सिलेंडर में सुपर स्प्लेंडर टाइप का, स्प्लेंडर टाइप का देखने को मिलता है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सिंपल में एक अलग ही अपनी इंडियन की फीलिंग दे रहा है। अगर बात की जाए प्लग अडाप्टर की तो प्लग अडाप्टर यहाँ पे दे रखा है इसके अंदर सिंपल, और ये प्लग अडाप्टर कुछ लोहे का दे रखा है, बट इसमें करंट नहीं लगता जब स्टार्ट होती है गाड़ी, और इसमें एक अडाप्टर देखने के साथ साथ हमारे प्लग देखने को मिलता है। उसके अलावा अगर बात की जाए सिंगल हॉर्न दे रखे हैं यहाँ पर और वायरिंग इसके अंदर दे रखी है। और आपको लग रहा होगा इसका पेट्रोल टैंक कहाँ पर, तो पेट्रोल टैंक बता दूँ ये जो पूरा कंप्लीट है ये पेट्रोल टैंक ही है। इसके अंदर पेट्रोल टैंक भी इनबिल्ट दे रखा है जो कि बहुत ज़्यादा, और यहाँ पर देखो एक छोटा सा एक होता ना ये जो इसका जो निशान है इंस्पायर किस से, ये इंस्पायर है डॉग से यानी कुत्ते से। देखो कुत्ते का लोगो इसमें दे रखा है जो कि बहुत ज़्यादा अलग ही लग रहा है, एकदम यूनिक, मतलब एक तरीके से देखा जाए ना एकदम पैट की तरह बनाई हुई है, और जो कि बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रही है और अट्रैक्टिव लग रही है, क्यूटी टाइप की लग रही है। यहाँ पे होंडा की एक मार्किंग देखने को मिल जाती है जो कि अलग से लगाई गई है, इसमें अलग से लग के नहीं आती है, यहाँ पे अलग से लगाई हुई है, और काफ़ी सारी चीज़ें इसमें अलग से लगाई हुई हैं। जैसे कि इसमें एक अलग से फुटर्स लगाया हुआ है, ये वाला ये फुटर्स आपको देखने को मिलेगा इंडिया के अंदर बुलेट के अंदर, और यहाँ पर रियर सोकर सस्पेंशन इसके एडजस्टेबल हैं जो कि बहुत ज़्यादा बढ़िया दे रहे हैं लग रहे हैं मतलब। उसके अलावा इसका जो यहाँ पर एक वायर दे रखी हुई बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रही है। यहाँ पे अलग से साइलेंसर लगाया हुआ है जो कि बहुत ज़्यादा बढ़िया आवाज़ सुनाता है। साइलेंसर को होल्ड करने के लिए यहाँ पर उन्होंने अलग से बैंड पाइप लगा रखा है, एक तरीके से यहाँ पर सपोर्टिव पत्ती लगा रखी है। और अगर बात की जाए चेचिस की तो चेचिस काफ़ी हैवी है, यही है चेचिस और यही पेट्रोल टैंक है और यही सीटिंग एडजस्टमेंट सिस्टम है। और अगर बात की जाए फ्रंट सस्पेंशन की तो फ्रंट सस्पेंशन में आपको मिलेंगे USD फोक जो कि बहुत ज़्यादा पतले हैं और बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल स्मूथ फीलिंग देने के लिए इन्होंने लगा रखे हैं। और अगर बात की जाए इसके अंदर ये तो ब्रेम्बो कंपनी के डिस्क ब्रेक देखने को मिलेंगे और चाइनीज़ इसके अंदर आपको पाइप देखने को मिलेगा जो कि बहुत ज़्यादा बढ़िया देखने में लग रहा है। वैसे अगर बात की जाए इसके अंदर पूरा कंप्लीटली मॉडिफाइड लुक है, तो इसलिए इसके अंदर अलग अलग आपको कलर वाइज कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। वैसे नई बाइक लेते हैं तो कलर कॉम्बिनेशन अलग देखने को मिलता है, और अगर वैसे लेते हैं तो कलर कॉम्बिनेशन आपको चेंज देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने जैसे कि ये अलग से लगाया हुआ है, ठीक है, ये अलग से लगाए हुए हैं, सोकर सस्पेंशन इसका चेंज है। उसके अलावा अगर बात की जाए थोड़ा सा और ऊपर लुक की, तो उसका मीटर जो है यहाँ पर इन्होंने एनालॉग दे रखा है, मीटर एनालॉग है, रियर साइड मिरर व्यू उन्होंने अलग से लगाए हुए हैं। और अगर बात की जाए डाइटोना कंपनी के इन्होंने ये ग्रिप सेट लगा रखे जो कि बहुत ज़्यादा किल स्विच इन्होंने यहाँ लगा रखे, और अलग से सेल्फ बटन भी दे रखा है इसमें। अच्छा, सेल्फ के साथ साथ इसके अंदर ना ये भी देखने को मिलेगा आपको जो है हमारा किक, ठीक है। वैसे सेल्फ की मोटर की अगर बात की जाए, सेल्फ की मोटर इन्होंने सबसे नीचे दे रखी है जो कि यहाँ पर लगी हुई है। वैसे ज़्यादातर स्कूटियों के अंदर और बाइक के अंदर सेल्फ की मोटर ऊपर दे रखी होती है, बट मैं यहाँ की अगर बात करूँ तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी पोल्यूशन या फिर कीचड़ काचड़ देखने को नहीं मिलेगी, तो उन्होंने यहाँ पर ही इसकी सेल्फ की मोटर दे रखी है। मुझे तो भाई बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है ये स्कूटी या फिर कहूँ तो बाइक। तो भाई फाइनली हमारी जो वीडियो कम्प्लीट हो चुकी है, आपको इस चैनल क्या करना है, सब्सक्राइब ARB ब्रदर्स चैनल ARB ब्रदर्स चैनल सब्सक्राइब कर लो भाई और फॉलो कर लो, ARB ब्रदर्स को फॉलो कर लो, ARB ब्रदर्स फॉलो कर लो, फॉलो भाई। मैं आज इनको हिंदी सिखा के जाऊंगा, ठीक है, आपको मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में, आप इस चैनल को फॉलो कर लो, ठीक है, ओके, थैंक यू, थैंक यू, ओके, टेक केयर।